हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन केसेस पॉइजनिंग की वजह से हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस पॉइजनिंग की वजह से इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया में हर साल 50,000 से भी ज्यादा डेथ पॉइजनिंग की वजह से होती है। कॉमन पॉइजनिंग में जैसे पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, कार्बामेट्स, कोरोसिव्स जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलीज, प्लांट टॉक्सिन्स जैसे स्ट्रिंचिन एंड ओलेंडर, धतूरा, वेनमस एनिमल्स और हाउस होल्ड क्लीनर्स की वजह से है। मेडिसिन को यदि प्रॉपर अमाउंट में यूज़ करें तो वो ट्रीटमेंट का काम करती है, लेकिन यदि मेडिसिन की ओवरडोज हो जाए तो वही पॉइजनिंग का काम करती है। क्या आप जानते हैं पॉइजनिंग को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है? पॉइजनिंग होने पर क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, यानी क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं? पॉइजनिंग होने पर कैसे मैनेज करें? आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं सारे विषयों के बारे में बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन की। पॉइजन को उसके यूज़ और मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पर दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले अगर हम यूज़ के बेसिस में बात करें तो पॉइजन तीन टाइप का होता है। पहला होता है सुसाइडल, दूसरा होता है होमिसाइडल और तीसरा होता है एक्सीडेंटल। सबसे पहले हम बात करते हैं होमिसाइडल पॉइजन की। होमिसाइडल पॉइजन में वो आते हैं वो पॉइजन जिनको कि मर्डर के लिए यूज़ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है आर्सेनिक, एंटीमनी और थैलियम। दूसरे जो पॉइजन होते हैं वो होते हैं सुसाइडल पॉइजन। सुसाइडल पॉइजन में वो आते हैं जिनको कि सुसाइड के लिए यूज़ किया जाता है। इसके एग्जांपल्स में ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ओपियम, पोटेशियम साइनाइड्स आते हैं। तीसरे नंबर पर है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल वो पॉइजन होते हैं जिनको कि गलती से ले लिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है बेलेडोना एंड धतूरा। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन यानी काम करने के तरीके के बेसिस पर पॉइजन पांच टाइप का होता है। पहला होता है कोरोसिव्स। कोरोसिव्स वो पॉइजन होते हैं जो कि केमिकली टिश्यू को डैमेज कर देते हैं। एग्जांपल में स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कलीज आते हैं। सेकंड इज द इरिटेंट। इरिटेंट वो होते हैं जो कि जीआई यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से नोजिया, वॉमिटिंग और एबडोमिनल पेन जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं अगर हम मेटल्स की बात करें तो आर्सेनिक, एंटीमनी और थैलियम। यदि नॉन मेटल्स की बात करें तो उसमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। प्लांट्स में कैस्टर ऑयल आता है, एनिमल टॉक्सिन्स आते हैं, कांच का बुरादा, ये सब वो हैं जो कि इरिटेंट्स के अंदर आते हैं। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो है न्यूरोटिक। न्यूरोटिक यानी वो पॉइजन होते हैं जो कि दिमाग के लेवल पर काम करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सेरेब्रल और दूसरे होते हैं स्पाइनल। सेरेब्रल जो दिमाग के लेवल पर एक्ट करते हैं, जिससे बेहोशी, दौरे आना, कभी कभी पेशेंट्स कोमा में चला जाता है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। इसके एग्जांपल्स में अल्कोहल, ओपियम, सिडेटिव्स और एनेस्थेटिक्स, हिप्नोटिक्स आते हैं। और दूसरे होते हैं स्पाइनल जो कि रीढ़ की हड्डी के लेवल पर काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रिंजेंट। तीसरे नंबर पर कार्डिक। कार्डिक वो जो कि हार्ट के लेवल पर काम करते हैं, जिससे कि दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाती है, तेज़ हो जाती है। इसके एग्जांपल्स में है डिजिटालिस एंड फोर्थ इज एस्फिक्सियंट्स। एस्फिक्सियंट्स का मतलब वो पॉइजन जो कि पेशेंट को एकदम सफोकेट कर देते हैं। इसके एग्जांपल्स में है कोल गैस, वार गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, ये सब एस्फिक्सियंट्स के अंदर आती हैं। पाँचवें नंबर पर घरों में जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, यदि उन मेडिसिन को हम प्रॉपर अमाउंट में लें तो वो ट्रीटमेंट का काम करती है। यदि वही मेडिसिन अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो वो पॉइजनिंग की तरह काम करती हैं। एग्जांपल्स में जैसे एनाल्जेसिक्स हो गए, एंटीपायरेटिक्स हो गए, एंटी डिप्रेसेंट्स,